हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपकी फीमेल रैबिट प्रेग्नेंट है और वो बच्चे देने वाली है तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोनू और स्वागत है आप सबका उन्नति रैबिट एंड डॉग केयर में। गाइज, अगर आपकी फीमेल प्रेग्नेंट है और वो बच्चे देने वाली है तो यहाँ पे आपको रैबिट की केयर बहुत ज़्यादा करनी होती है। दोस्तों, बहुत सी बार क्या होता है कि हमें नहीं पता होता है कि हमारी जो फीमेल रैबिट है वो किस समय बच्चे देने वाली है या वो किस टाइम पे बच्चे देगी, तो ऐसे में हम बहुत सारी गलतियाँ उसके साथ कर जाते हैं, जैसे कि उसको टाइम पे नेक्स्ट बॉक्स नहीं देना, उसके टाइम पे उसको फीड वगैरह नहीं देना, उसको प्रेस वाटर सप्लाई नहीं करना और उसको ऐसी जगह पे रख देना जहाँ पे कि वो अपने बच्चों को देने के बाद हो सकता है कि उनके बच्चों को चूहे खा जाएं, उनके बच्चों पे चींटी वगैरह आ जाएं, या हो सकता है कि आपकी फीमेल जो है किसी तरह का ख़तरा महसूस करके अपने बच्चों को खुद खा जाए। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आपको पता हो कि एक फीमेल रैबिट जो है किस समय बच्चे देती है या आपकी फीमेल रैबिट कब और किस टाइम पर बच्चे देने वाली है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है ये सारी चीज़ों को पहले से ही कर देने में, और आप लोग पहले से ही सचेत हो जाते हैं और आप अपनी फीमेल के साथ वो सारी चीज़ें पूरी कर देते हैं जो कि उसको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि उसको नेक्स्ट बॉक्स देना, उसको एक बच्चे डिलीवर करने के लिए सेफ प्लेस देना, एक ऐसी सेफ जगह रखना जहाँ पे कि उसके बच्चे स्वस्थ रहें, उनको किसी तरह के कोई खतरा ना रहे, जैसे कि चूहों से, कुत्ते से, बिल्ली से या किसी भी और तरह का कोई खतरा अपने रैबिट पे ना रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से बताने वाला हूँ कि एक फीमेल रैबिट कब और किस समय अपने बच्चों को जन्म देती है। तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिर मादा खरगोश जो है किस समय बच्चे देती है। तो दोस्तों, मैक्सिमम जो फीमेल रैबिट्स होती हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 60 से 70% फीमेल रैबिट जो अपने बच्चों को जन्म देती है वो सुबह 3 बजे से लेके और 8 बजे के बीच में बच्चे जन्म देती है। दोस्तों, ये मोस्टली बच्चों रैबिट के जो है बच्चे देने का टाइम होता है और मैक्सिमम टाइम में एक फीमेल रैबिट इसी समय बच्चे देती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते थे कि मैं रैबिट फार्मिंग में था पहले और मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स होती थी जो डे बाई डे 5 से 10 फीमेल मेरे पास रोजाना बच्चे देती थी, तो ऐसे में मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक फीमेल जो है किस टाइम बच्चे देती है। तो सबसे ज़्यादा फीमेल जो बच्चे देती है वो देती है सुबह के 3 बजे से लेके और सुबह 8 बजे तक। दोस्तों, इसके बाद में हम आते हैं नंबर 2 पे। तो दोस्तों, जो दूसरा सबसे ज़्यादा बच्चे देने का टाइम होता है एक फीमेल का वो होता है शाम को 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक का। दोस्तों, बाकी की 30% फीमेल जिन्होंने मतलब सुबह के टाइम पे बच्चे नहीं दिए, तो उन मैक्सिमम फीमेल जो आपकी बची हुई हैं वो उनका जो बच्चे देने का दूसरा जो सबसे फेवरेट टाइम है वो है शाम को 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। दोस्तों, इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा फीमेल जो होती हैं, बहुत सारी फीमेल ऐसी होती हैं जो इस टाइम पे बच्चे देती है। नंबर 3 हम आते हैं, जो फीमेल अब इन दोनों टाइम पे बच्चे नहीं देगी तो वो हो सकता है कि वो फीमेल आपको रात के किसी भी टाइम बच्चे दें, या हो सकता है कि कुछ फीमेल आपको दिन के टाइम भी बच्चे दे दें, लेकिन बहुत ही रेयर केस में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि कोई फीमेल आपको जो है दिन के टाइम पर बच्चे देगी। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि एक मादा खरगोश किस समय अपने बच्चों को जन्म देती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं इसके पीछे का रीज़न कि क्यों आखिर एक मादा खरगोश सुबह या शाम के समय ही ज़्यादातर अपने बच्चों को जन्म देती है। तो दोस्तों, इसके पीछे 2 साइंटिफिक रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो मैक्सिमम रैबिट को ब्रीडिंग करवाने का टाइम होता है वो सुबह और शाम के टाइम पर होता है। जैसा कि मैंने पहले अपने एक वीडियो में बताया कि आपको किस टाइम पर अपनी फीमेल रैबिट को मेल रैबिट के साथ ब्रीड करवाना है, यानी कि मेटिंग करवानी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि एक फीमेल रैबिट की मेटिंग जो है आप अपने रैबिट के साथ मेल रैबिट के साथ तभी करवाएं जब या तो सूरज बहुत ज़्यादा हल्का हो सुबह के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे। तो इन्हीं 2 टाइम पे हम ब्रीडिंग करवाते हैं, इस वजह से आपकी फीमेल मैक्सिमम या तो सुबह बच्चे देती है या शाम के टाइम पे बच्चे देती है। दूसरा इसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है दोस्तों कि बहुत सी बार क्या होता है कि फीमेल रैबिट जो होती है वो अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा केयर करने वाली होती है, अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा सचेत होती है। तो फीमेल रैबिट क्या करती है कि एक ऐसा टाइम चुनती है जिस टाइम पे उसके बच्चों को बाकी जानवरों से या प्रीडिएटर से बहुत कम खतरा हो, यानी कि सुबह का टाइम और शाम का टाइम। आपने दोस्तों देखा होगा कि इस टाइम पे जो प्रीडिएटर होते हैं, यानी कि दूसरे ऐसे जानवर होते हैं जो रैबिट के लिए खतरा होते हैं, वो इस टाइम पर सबसे कम एक्टिव होते हैं, यानी कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम पर। तो दोस्तों, एक फीमेल रैबिट इसी टाइम पर बच्चे देती है। और आपने जैसे देखा होगा कि जंगल में जब भी खरगोश बच्चे देता है तो वो एक बिल बना के और बिल के अंदर बच्चे देता है, तो फीमेल उसमें बच्चे देती है, बच्चों को पूरी तरह से साफ करती है और उनकी क्लीनिंग करने के बाद आसपास
पास से पूरे खून ब्लड वगैरह के सारे निशान मिटाने के बाद अपने बच्चों को जो है बिल में अंदर दबा देती है और बिल को बाहर से बंद कर देती है ताकि कोई भी जानवर जैसे कि चूहा, सांप और कोई भी दूसरा प्रीडेटर जानवर उनको ना खा पाए। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्यों आखिर एक मादा रैबिट आपको सुबह और शाम के समय सबसे ज़्यादा बच्चे देती है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि एक फीमेल उनकी कब बच्चे देने वाली है, तो आगे से उनको ये वीडियो देख के आइडिया हो जाएगा कि उनकी फीमेल कब बच्चे देने वाली है, तो वो पूरी तरह से अपनी फीमेल रैबिट की केयर कर सकते हैं। जैसे आपकी फीमेल रैबिट की डिलीवरी का टाइम आता है तो आप उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें और देखें और उस टाइम पर उसको सारी जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करें, लाइक उसको एक लीटर नेक्स्ट बॉक्स देना जिसमें कि वो अपना नेक्स्ट प्रिपेयर करें और अपने बच्चों को सेफली डिलीवर करें। दूसरा, उसको एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, यानी कि जहाँ पे किसी तरह की कोई शोर शराबा ना हो, बाहर की कोई आवाज़ें ना हो, किसी प्रीडेटर का खतरा ना हो। तो इससे क्या होगा कि आपको एक तो आपकी फीमेल कभी बच्चे नहीं खाएगी, दूसरा उसके बच्चे सेफली डिलीवर हो जाएंगे और आपकी फीमेल के साथ किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। तो आई होप कि भी आप लोगों को वीडियो क्लियर हुआ होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि ऐसे ही रैबिट से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे हम एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने रैबिट का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग।